संस्कारी नगरी वडोदरा में महिलाओं की सुरक्षा सामे प्रश्न उभा करती बीजी घटना सामे आवी। महिला डेंटिस्ट ने रेपिडो पर रिक्शा बुक करावता कड़वो अनुभव थयो। रिक्शा चालक महिला ने बीजा मार्गे लई जता चालक की दानत जाणी जता महिला डेंटिस्ट रिक्शा में कूदी पड़ा था। उल्लेखनीय है कि गोत्री जीबी 3 रस्ता पास बुधवार भरबपोरे आ घटना घटी थी। हाल महिला तबीबे गोत्री पुलिस स्टेशन में फरियाद नोंधावी छे। पुलिसे रिक्शा चालक सलमान पठाण की धरपकड़ करी तेनी पूछपरछ करी वधु तपास हाथ धरी छे। क्या हुआ था आपको? मैं अपने रोज की तरह क्लिनिक जाने के लिए, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर त्रिशिता सिंह मेरा नाम, मैं रोज की तरह क्लिनिक जाने के लिए निकली थी। तो मैं 6 महीने से हमेशा रेपिडो या जो भी मेरे को मिल जाता है ओला उसी से बुक करते हैं। तो हम ओला रेपिडो बुक किया, फिर जा रहे थे वहाँ से, तो फिर उसने ऑटो वाले ने अचानक एक और रोड ले लिया। तो मैंने बोला कि क्योंकि मेरे क्लिनिक पे जाने का हर रास्ता मालूम है जैसे भी, तो मैंने उनको बोला भैया ये कौन से रास्ते से ले रहे हैं मतलब। तो उन्होंने बोला कि वहाँ से रोड बंद है। मैंने बोला भैया मुझे पता है रोड वहाँ से बंद है, लेकिन नीचे से कट से मतलब ब्रिज के उस साइड से लेफ्ट लेके जा सकते हैं और हम हमेशा इस्कॉन में मंदिर में प्रणाम करते हुए जाते हैं। वो बोलते पता नहीं क्या, वो तुरंत बोलते नहीं तेरे को तो बताता हूँ, रुक जा तेरे को तो बताता हूँ बोल के उसने उसी रोड से जाना शुरू किया। तो मेरे को बहुत डर लगा क्योंकि मैं यहाँ की हूँ नहीं, गुजरात की नहीं हूँ। तो मैंने तुरंत जो भी मुझे आसपास दिखे, मेरे को टपरी में ये अंकल लोग, ये भैया, ये अंकल लोग, सब लोग दिखे, मैं हेल्प 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 चिल्लाई भैया मेरे को बचाइए, देखिए ऑटो वाला क्या कर रहा है बोलते। फिर उसने मैं उतरी, उतरते उतरते 3-4 मिनट होगा, फिर उसने धक्का दे के फिर वो भाग गया। उसके अंदर मेरे सामान वामान सब थे, मेरे को चोट वोट सब लगी, और हाँ चोट लगी इधर पैर में लगी है, इधर लगी है घुटने में लगी है। और ये फिर तुरंत वहाँ के लोगों ने गए मतलब बाइक लेके उसका पीछा करने की कोशिश किए, लेकिन वो भाग, और एक स्कूटी वाले भैया थे वो गए, तो उसका फ़ोटो मिल गया हम लोग को, ऑटो का नंबर। फिर ये भैया ने फ़ोन किया इस अंकल ने पुलिस को, फिर पुलिस भी आई। फिर अभी देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, वो भी यहीं पर, लेकिन सामान वगैरह छोड़ मेरा अंदर रह गया, वो चला गया। मेरे को तो यही समझ में नहीं आता, उसको मैं पहली बार देख रही हूँ, ना जानती हूँ ना पहचानती हूँ कुछ नहीं। वो मेरे को ये क्यों बोला कि मैं तेरे को देख लूँगा, मैं तेरे को, रुक जा तेरे को तो बताता हूँ बोल के वो उस रास्ते से क्यों जा रहा था जब मैंने मना किया है। तो मेरा राइट है ना बोलना कि मेरे को ये रूट नहीं लेना है। सामान में बहुत सारा बहुत इम्पोर्टेंट सामान था मेरा क्लिनिक का, उसमें भी अभी जो सामान वापस आया उसमें वो मेन सामान नहीं है, बहुत महंगा सामान था उसमें, जो होगा मेरे को एग्जैक्ट पता भी नहीं, लेकिन बहुत महंगा सामान था, लेकिन उसमें जो बॉक्स था सबसे इम्पोर्टेंट वही नहीं।